नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने 3 आईएएस अफसर को किया इधर से उधर। बिहार में बालू खनन पर सख्ती, इन नियम शर्तों का करना होगा पालन। कटिहार गोलीकांड पर एसपी ने सीसीटीवी फुटेज पेश कर किया बड़ा दावा। राज्य में 4 दिन में 4000 से अधिक वाहनों पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना। बीसीसीआई सचिव ने टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की वापसी पर किया खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 124 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनियों में से एक राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न विभागों में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2023 तक RCFL की आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत केमिकल, बॉयलर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल सेफ्टी, सीसी लैब, मार्केटिंग, आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआरडी और एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 124 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बीई बीटेक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। बिहार सरकार ने 3 आईएएस अफसर को किया इधर से उधर। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा 3 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी, जो राज्य परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, वह अब अगले आदेश तक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वहीं आईएएस अधिकारी व शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव, जो अब तक शैक्षणिक आधारभूत संरचना के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उन्हें अब अतिरिक्त प्रभार से अगले आदेश तक मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा लघु जल संसाधन के विशेष सचिव आसिमा जैन को राज्य परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही यह पद परिवहन निगम के प्रशासक के भी अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। बिहारी बोधरे में आज हम बात करेंगे सोनल झा के बारे में। सोनल झा का जन्म आज ही के दिन 1971 को हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और थिएटर कलाकार हैं। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न हिंदी धारावाहिकों और थिएटर में काम किया। सोनल कुछ फिल्मों में सहायक भूमिका में नजर आई, जैसे मलाल, 3 स्टोरीज, लिपस्टिक अंडर माई बुड़का, चिल्लर पार्टी, आरक्षण आदि। वह एक मान्यता प्राप्त टेलीविजन कलाकार है और उन्हें मलयालम और भोजपुरी के कुछ धारावाहिकों में भी देखा गया था। सोनल झा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बचपन से ही एक थिएटर कलाकार के रूप में की और 15 वर्षों तक पटना में एक अभिनेत्री और गायिका के रूप में अभिनय किया। अभिनय सीखने के लिए वह एकजुट थिएटर ग्रुप की सदस्य भी बनी। उनकी लघु फिल्म मदर एंड डॉटर मुंबई फिल्म फेस्टिवल में परफेक्ट 10 विजेता रही। वर्ष 2006 में उन्होंने नंदा आनंद की अंग्रेजी फिल्म रिटर्न टू राजापुर में लीन कोलिंस और गैली गार्डनर के साथ अभिनय किया। उस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने हिंदी टेलीविजन धारावाहिक बॉम्बे लॉयर्स में अभिनय किया, जो NDTV इंडिया पर प्रसारित हुआ। आखिरकार प्रकाश झा ने उन्हें अपनी क्षेत्रीय भोजपुरी के लिए काम पर रखा, जिसमें उन्होंने बाहुबली की माँ की भूमिका निभाई। बालिका वधू में इरावती का किरदार निभाते हुए वह इंडियन सोप ओपेरा की संवेदनशील और आकर्षक माँ के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बिहार में बालू खनन पर सख्ती, इन नियम शर्तों का करना होगा पालन। मॉनसून के मौसम की समाप्ति होते ही 1 अक्टूबर से प्रदेश की नदियों से बालू खनन प्रारंभ होगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि बालू का पट्टा ठेका प्राप्त करने वाले बालू कारोबारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे में अगर बालू कारोबारी इन नियम का पालन नहीं करते हैं तो वे खनन कार्य नहीं कर पाएंगे। बता दें कि विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार खनन के लिए बोली लगाकर पट्टा ठेका हासिल करने वाले बंदोबस्तधारी को सबसे पहले जिन वाहनों से खनन और परिवहन करना है, उन वाहनों का निबंधन खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल पर कराना होगा। इसके साथ ही वाहनों में GPS लगाना, बालू घाट या इसके आसपास वे ब्रिज लगाना, ताकि वाहनों का वजन ज्ञात किया जा सके, और साथ ही जिन बालू घाटों का बंदोबस्त पट्टाधारियों को मिला है उन्हें घाटों पर CCTV कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा। कटिहार गोलीकांड पर SP ने CCTV फुटेज पेश कर किया बड़ा दावा।
पिछले दिनों बिजली विभाग के खिलाफ कटिहार में हुई प्रदर्शन के दौरान गोली चलने से दो लोग खुर्शीद और सोनू की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल एसपी जितेंद्र कुमार के द्वारा कहा गया कि सोनू और खुर्शीद की मौत पुलिस की गोली लगने से नहीं बल्कि किसी और की गोली लगने से हुई है। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है जिससे यह तथ्य सामने आया है कि पुलिस वाले और मृतकों के बीच काफी दूरी थी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसके साथ इस मामले में दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और 15 नामजद 1000 से 12000 अज्ञात लोगों को आरोपित भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक लड़का भीड़ में गोली चला रहा है और उसने दो लड़कों को गोली मारी है। मालूम हो कि इससे पहले एसपी और डीएम के द्वारा कहा गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां जरूर चलाई थी, लेकिन अब यह खुलासा हो गया है कि पुलिस की गोली से उनकी मौत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन। अगर आप भी उन छात्राओं में से हैं जिन्होंने राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से दिनांक 24 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक में स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आपके पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में छात्राओं को सरकार की ओर से 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। ऐसे में जिन छात्राओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है वह 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्राओं को वेबसाइट http://medhasoft.bih.nic.in पर जाकर मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 या 2020 के लिंक 1 या लिंक 2 पर आवेदन करना होगा। इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की मदद के लिए mkuysnatakhelp@gmail.com या 9534547098 या 8986294256 पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षकों के धैर्य को उनकी कमजोरी न समझे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। 11 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई चल रही है और अब तक सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं इस पर शिक्षक संघ के द्वारा इसे सदन की अवमानना बताया जा रहा है। इसके अलावा इस प्रदर्शन को लेकर कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है। इस पर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया कि अभी शिक्षकों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और धरना प्रदर्शन ही विरोध प्रदर्शन नहीं होता। उन्होंने बताया कि वह लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं और वार्ता की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार से कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के धैर्य को सरकार उनकी कमजोरी न समझे। जिस प्रकार सुधार के नाम पर दमनकारी कार्रवाई की जा रही है उससे शिक्षक समाज आक्रोशित है। बिहार के राजमार्गों के बेहतर करने के लिए $295 मिलियन देगा एडीबी। बिहार में बेहतर आवागमन के लिए लगातार सड़कों और हाईवे का निर्माण किया जा रहा और साथ ही इनके रखरखाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही। इसी कड़ी में अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत बिहार में करीब 265 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए कर्ज के रूप में $29.5 करोड़ दिए जाएंगे। बता दें कि हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुन मंग वोल नाम और भारत में एडीबी के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी शामिल थे। मालूम हो कि एडीबी की ओर से बिहार को 2008 से कुल 5 बार $1.63 अरब का कर्ज दिया जा चुका है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे कुड़किहार के बारे में। कुड़किहार गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बोधगया से तपोवन पथ में वजीरगंज से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुड़किहार का संबंध बौद्ध धर्म एवं सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहां से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अनेकों कलाकृतियां मिली हैं जो कि अष्ट धातु एवं कीमती काले पत्थरों से बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पाए गए बहुमूल्य कलाकृतियों को पटना संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। इस स्थान का अवलोकन महान पुरातत्वविद कनिंगम ने भी किया था। इनके अनुसार इस स्थान का विस्तार कई 100 फीट उत्तर से दक्षिण तक पंक्तिबद्ध था। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में देवपाला, राज्यपाला, महीपाल और विग्रहपाला तृतीय का उल्लेख है। कुड़किहार एक ऐसा स्थान है जहाँ सनातन संस्कृति से जुड़ी काफी मूर्तियां संरक्षित है। यह स्थान पर्यटकों को भारतीय इतिहास के गौरव से रूबरू कराता है और वैभवशाली शिल्प कलाकारों के हुनर को प्रदर्शित करता है। सूबे के सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों के 21 बिंदुओं पर होगी स्थल जांच।
राज्य के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां आवश्यकता के अनुसार क्लासरूम, प्रायोगिक कक्षाओं समेत कई चीजें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में राज्य के सभी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों के 21 बिंदुओं पर जांच अधिकारी के द्वारा वीवी अधिकारी के साथ मिलकर जांच की जाएगी। इस संबंध में वीवी को पत्र भेज दिया गया है। बता दें कि जारी निर्देश के तहत जांच अधिकारी कॉलेज की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज और निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मालूम हो कि जिन 21 बिंदुओं पर जांच किया जाएगा उनमें संबंधन की स्थिति, वर्ग की संख्या, विषयवार सीटों की निर्धारित संख्या, सीटों के विरुद्ध विषयवार दाखिला, संबंधन प्राप्त विषयों से इतर दाखिला, अनुदान वितरण की स्थिति और माध्यम प्रायोगिक कक्षाओं की स्थिति और समय सारणी, शिक्षकों की उपस्थिति का कार्यरत बल से मिलान, कार्यरत कर्मी जिन्हें अतिरिक्त भुगतान हो रहा, शिक्षकों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था, कक्षाओं में छात्र छात्राओं की वर्गवार हाजिरी, कैश बुक का संधारण, वीवी अधिकारी का भ्रमण, बायोमेट्रिक मशीन और कार्यशील मशीन की स्थिति और साफ सफाई, खेल मैदान, व्यावसायिक कोर्स की स्थिति शामिल होगी। राज्य में 4 दिन में 4,000 से अधिक वाहनों पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना। परिवहन विभाग की ओर से 24 जुलाई से 27 जुलाई तक यातायात नियमों को लेकर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के तहत 4,000 से अधिक वाहन मालिकों पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, मोडिफाइड साइलेंसर एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने सहित अन्य यातायात नियम उल्लंघन करने के कारण कार्रवाई करते हुए लगभग 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी MBI और ESI द्वारा चलाया गया है। मालूम हो इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें। वहीं इस अभियान की मॉनिटरिंग विभाग के स्तर पर की जा रही है। बिहार के इतने किसानों के खाते में आए पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त। बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के तहत 2,000 रुपए भेज दिए गए हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि 14वीं किस्त की इस 2,000 रुपए की राशि का लाभ बिहार के 75,84,538 किसानों को मिला है। यानी कि राज्य में कुल इतने किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजे गए हैं। इस तरह राज्य के किसानों के खाते में कुल 1,583,66,00,000 रुपए भेजे गए हैं। हालांकि 14 लाख से अधिक किसान ऐसे भी हैं जो इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए, क्योंकि इस बार KYC और बैंक खाता से आधार लिंक नहीं होने पर राशि नहीं दी जा रही। यहाँ बनेगा पटना मेट्रो का सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी आ रही है। ऐसे में अब हम आपको बता दें कि पटना मेट्रो का सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन पटना जू के पास बनने वाला है। बता दें कि मेट्रो स्टेशन करीब 355 मीटर लंबा व जमीन से करीब 15 से 20 मीटर नीचे होगा। मालूम हो कि 2 मंजिला बनने वाले इस स्टेशन के पहले तले पर टिकट काउंटर व एस्केलेटर जैसी सुविधाएं रहेंगी, तो वहीं दूसरे तले पर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहां से यात्री ट्रेन पकड़ सकेंगे। बता दें कि ऐसी अनुमान लगाया गया है कि यहां से प्रतिदिन 1.5 लाख के आसपास यात्री सफर कर सकते हैं। इसी को देखते हुए 3 एस्केलेटर और 3 लिफ्ट लगाए जाने की योजना है। स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सड़क के दोनों तरफ से निकास और प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम चंपारण, भभुआ, पटना, नालंदा और जमुई में बारिश के आसार। देश में भले मॉनसून के कारण बारिश हो रही हो, लेकिन बिहार में तेज गर्मी और उमस से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में लोगों को तेज झमाझम बारिश के लिए तरस गए हैं। हालांकि मौसम विभाग प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन बारिश होगी कि नहीं यह कहना मुश्किल है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। 29 और 30 जुलाई को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि पश्चिम चंपारण, भभुआ, पटना, नालंदा और जमुई में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 1 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लोगों को लगातार सावधान कर रहा है। हालांकि लोग इन दिनों तेज गर्मी और उमस से परेशान हैं। दुनिया के 17 देशों में भारत के UPI का जलवा। भारत के UPI का जलवा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी बरकरार है। RBI के द्वारा जारी किए गए UPI से किए गए पेमेंट के आंकड़ों से जानकारी निकलकर सामने आई है कि UPI का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत मार्च में 13.24% की बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि अब भारत के UPI का इस्तेमाल को लेकर दुनिया के 17 देशों में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में आने वाले 5 सालों में अकेला भारत में UPI से होने वाली पेमेंट का आंकड़ा 90% को पार कर जाएगा। इससे न केवल डिजिटल पेमेंट को ट्रेड बढ़ेगा बल्कि देश के इकोनॉमी को भी फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UPI दुनिया के जिन 17 देशों में शुरू हुआ है उनमें फ्रांस, भूटान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप शामिल हैं।
सासाराम के सिरसा मकबरे के बड़े तालाब की स्वच्छता पर हाईकोर्ट ने जताया संतोष। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा सासाराम के ऐतिहासिक महत्व के धरोहर सिरसा के मकबरे के आसपास बड़े तालाब में स्वच्छ और ताजा पानी आने के लिए बनाए गए नाली बंद होने से संबंधित मामले पर अधिवक्ता कन्हैया लाल भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले पर राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होकर मामले को निष्पादित कर दिया गया। बता दें कि इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस जनहित याचिका में उठाए गए सभी समस्याओं पर कार्रवाई की गई, गंदे पानी के निकासी के लिए उचित व्यवस्था की गई है और साथ ही झील और उसके आसपास के जगहों की सफाई भी की गई है। 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों, प्रखंडों और जरूरतों के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इनके लिए विभाग की ओर से मानदेय तय कर लिए गए हैं, जिसके तहत प्रोग्रामर को मानदेय के रूप में 35,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर को 16,000 रुपए और स्टेनोग्राफर को 20,000 रुपए मानदेय पर रखे जाएंगे। वहीं सबके अलावा सुरक्षा गार्ड को उतने ही मानदेय दिए जा सकते हैं जो उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय है। बता दें कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। बिहार में मध्याह्न भोजन के हाल का गिरिराज सिंह ने खोला बड़ा राज। एक तरफ जहां मीडिया की रिपोर्ट के आधार से यह बात सामने आई है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के 4 माह खत्म होने वाले हैं, लेकिन अब तक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 2000 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। केंद्र को यह राशि वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 500 करोड़ रुपए किस्त में देने थे, जिसके हिसाब से पहली किस्त अब तक मिल जानी थी लेकिन नहीं मिली है। वहीं अब दूसरी ओर इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बीते दिन यह दावा किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन के लिए दी जाने वाली राशि खत्म नहीं हो रही। पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को इसके लिए जो 2000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, उनमें से अब भी 250 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। ऐसे में बच्चों को उनके जरूरी भरण पोषण से वंचित होने का खतरा है। राजद के राज्यसभा सांसद ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा बीते दिन शुक्रवार को संसद भवन परिसर में केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के द्वारा जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस के मिश्रा को कार्यकाल बढ़ाने के लिए दलीलें दी गई हैं, उससे कार्यकाल बढ़ाने के बाद अब कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति फैल सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इस व्यक्ति का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उसी अदालत में गया और अपील की कि निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, जिसके पीछे केंद्र सरकार की ओर से कोई काल्पनिक कारण बताया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा। बीसीसीआई सचिव ने टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की वापसी पर किया खुलासा। पिछले काफी समय से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में वापसी को लेकर खबरें सामने आ रही थी। वहीं अब उनकी वापसी को लेकर बीसीसीआई के सचिव जयशाह के द्वारा उनकी वापसी को लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। दरअसल जयशाह के द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा गया कि विश्व कप से पहले टीम इंडिया को एशिया कप समेत 12 वनडे और टी20 मैच खेलने हैं। शाह ने कहा कि आयरलैंड दौरे के अलावा सिलेक्शन में निरंतरता रहेगी। शाह ने आगे कहा कि वापसी कर रहे बुमराह को छोड़कर टी20 कप्तान हार्दिक पांड्या सहित विश्व कप के लिए जाने वाले किसी भी वरिष्ठ खिलाड़ी को 3 मैचों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा। मालाहाइट में होने वाले 3 मैचों के दौरान फिर से फिट हो चुके गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने की उम्मीद है। फिलहाल वे अपनी पीठ के निचले हिस्से के स्ट्रेच फ्रैक्चर के इलाज के लिए एनसीए में सर्जरी के बाद रिहैब से गुजर रहे हैं और अंतिम फैसले से पहले बुमराह कुछ प्रैक्टिस खेलेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना 1876 में की गई। मॉस्को ओलंपिक में भारत ने 1980 को हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। सीमा भदौरिया ने 29 जुलाई 2000 को अपने दांतों से 3,390 किलोग्राम के विमान को खींचा। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में से एक J.R.D. टाटा का जन्म 1904 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म 1931 को हुआ। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 1891 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का निधन 1996 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन 2003 को हुआ था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन 2009 को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी कवित्री स्नेहमयी चौधरी का निधन 2017 में हुआ। आज के दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वेलकम। आज हम बात करेंगे फोन कॉल की निगरानी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फोन कॉल की निगरानी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई नियम लागू नहीं की गई है। ऐसी किसी भी फर्जी और स्पष्ट सूचना को शेयर न करें। व्हाट्सएप में ऐड हुआ इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर। व्हाट्सएप ने ऐप में एक नया शॉर्ट वीडियो मैसेज फीचर जोड़ा है, जो यूजर्स को चैट के दौरान वीडियो को रिकॉर्ड कर भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इससे चैट एक्सपीरियंस पहले से और अच्छा होगा। अभी तक अगर ऐप में किसी व्यक्ति को कोई वीडियो शेयर करनी होती थी तो इसके लिए हमें गैलरी में जाकर वीडियो को ढूंढना पड़ता था। इस परेशानी को खत्म करने के लिए मेटा ने व्हाट्सएप में शॉर्ट वीडियो मैसेज फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर के तहत आप 60 सेकंड के वीडियो चैट के दौरान ही रिकॉर्ड कर सामने वाले व्यक्ति को भेज पाएंगे। भेजी गई वीडियो ऑटोमेटिकली म्यूट रहेगी। यूजर को टैप कर इसकी ऑडियो खोलनी होगी। वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको चैट में वीडियो आइकन पर टैप करना होगा और फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। अगर आप हैंड्स फ्री होकर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो को ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना होगा। इससे वीडियो लॉक हो जाएगी और आप आसानी से फोन को कहीं रखकर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। कंपनी के दूसरे फीचर्स की तरह वीडियो मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे। टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई 100 बेस्ट फिल्मों में भारत की सिर्फ एक फिल्म। टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ष 1920 से लेकर 2010 तक की बेस्ट 100 फिल्मों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की एकमात्र फिल्म पाथेर पांचाली के नाम शामिल है, जो कि 1995 में आई थी। मालूम हो कि उस फिल्म में न तो ज्यादा पैसा इस्तेमाल किया गया था और न ही मंझे हुए कलाकार थे। यह फिल्म प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। जब यह फिल्म 26 जनवरी 1995 को रिलीज हुई तो उसे लोगों के द्वारा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते तक यह फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म को देख पंडित जवाहरलाल नेहरू भी काफी खुश हो गए थे और उन्होंने इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भेज दिया था, जहां इस फिल्म में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का पुरस्कार जीता। इसके अलावा इस फिल्म ने कई और पुरस्कार भी अपने नाम किए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हुआ गिरावट के साथ बंद। बीते दिन यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन का सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन निफ्टी 19,650 के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 106.02 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 66,160.20 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13.90 अंक या 0.07% की गिरावट के साथ 19,646 पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन के कारोबारी सत्र में लगभग 1,774 शेयर बढ़त के साथ वही 1,641 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 163 शेयर ऐसे रहे जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मालूम हो कि बीते दिन निफ्टी के टॉप लूजर्स बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, BPCL, टट मोटर्स और SCL टेक्नोलॉजीज रही। वहीं निफ्टी के टॉप गेनर NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी इंटरप्राइजेस और M&M रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय तटरक्षक के 25 महानिदेशक के रूप में हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए VA कामत, ऑप्शन बी राकेश पाल, ऑप्शन सी रामेश्वर सिंह, ऑप्शन डी P पलेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राकेश पाल। अगला सवाल, राग नामक पुस्तक का किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में ही विमोचन किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है। अगला सवाल, फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल, बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहलाता है? ऑप्शन ए उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। अगला सवाल, बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है?
ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोटो रंगीला, अंजनी कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, मनीष कुमार सेलड़ी, विद्यासागर, राजकिशोर महतो, प्रयाग सिंह, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, राजीव कुमार, अतीक खान, नुन्नू गोलू कुमार, राकेश कुमार, भान प्रकाश मौर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है सख्त होते ट्रैफिक नियमों को लेकर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।